नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टा न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। प्रधानमंत्री ने पिछले 72 घंटे में देश की जनता से संवाद करने की कोशिश की और बहुत कुछ बताने की कोशिश की, जिस पर आज हम एक परिचर्चा करेंगे। और दो बड़े मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, एक राजनीतिक विश्लेषक और एक भारतीय जनता पार्टी के नेता। लेकिन इनसे बात करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि आखिर में राष्ट्र के संबोधन के बाद रविवार को प्रधानमंत्री जब मन की बात कहते हैं तो वही बातें करते हैं जो उन्होंने राष्ट्र के संबोधन के दौरान कही थी। और उन्होंने राष्ट्र संबोधन के दौरान क्या कुछ कहने की कोशिश की थी, पहले मैं आपको वो सुनवाना चाहता हूं। मैं अपने पीसीआर टीम से कहूंगा कि प्रधानमंत्री के संबोधन के कुछ अंश पहले वो सुनवाएं। हमारे देश ने एक तरफ कर्तव्य का पालन किया तो दूसरी तरफ उसे बड़ी सफलता भी मिली। कल 21 अक्टूबर को भारत ने 1 बिलियन 100 करोड़ वैक्सीन डोज का कठिन लेकिन असाधारण लक्ष्य प्राप्त किया है। इस उपलब्धि के पीछे 130 करोड़ देशवासियों की कर्तव्य शक्ति लगी है, इसलिए ये सफलता भारत की सफलता है, हर देशवासी की सफलता है। मैं इसके लिए सभी देशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं। साथियों, 100 करोड़ वैक्सीन डोज ये केवल एक आंकड़ा नहीं है, ये देश के सामर्थ्य का प्रतिबिंब है। ये उस नए भारत की तस्वीर है जो कठिन लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें हासिल करना जानता है। ये उस नए भारत की तस्वीर है जो अपने संकल्पों की सिद्धि के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करता है। साथियों, आज कई लोग भारत के वैक्सीनेशन प्रोग्राम की तुलना दुनिया के दूसरे देशों से कर रहे हैं। भारत ने जिस तेजी से 100 करोड़ का 1 बिलियन का आंकड़ा पार किया है उसकी सराहना भी हो रही है, लेकिन इस विश्लेषण में एक बात अक्सर छूट जाती है कि हमने ये शुरुआत कहां से की है। दुनिया के दूसरे बड़े देशों के लिए वैक्सीन पर रिसर्च करना, वैक्सीन खोजना, इसमें दशकों से उनकी महारत है, एक्सपर्टाइज थी। भारत अधिकतर इन देशों की बनाई वैक्सीनेशन पर ही निर्भर रहता था। जब 100 साल की सबसे बड़ी महामारी आई तो भारत पर सवाल उठने लगे, क्या भारत इस वैश्विक महामारी से लड़ पाएगा? भारत दूसरे देशों से इतनी वैक्सीन खरीदने का पैसा कहां से लाएगा? भारत को वैक्सीन कब मिलेगी? भारत के लोगों को वैक्सीन मिलेगी भी या नहीं? क्या भारत इतने लोगों को टीका लगा पाएगा कि महामारी को फैलने से रोक सके? तो ये नए भारत की तस्वीर है, प्रधानमंत्री ने ये कहा पूरे आत्मविश्वास के साथ। और यही आत्मविश्वास झलका जब प्रधानमंत्री ने राष्ट्र संबोधन के दौरान ये कहा कि लोकल फॉर वोकल, अब आप चेत जाइए, क्योंकि अगर अपने देश के वस्तुओं का, उसके उत्पाद का आप उपयोग करेंगे तो देश सर्वश्रेष्ठ बनेगा, आत्मनिर्भर बनेगा। प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा था पहले वो आपको हम सुनवाते हैं। महामारी के खिलाफ
देश की लड़ाई में जन भागीदारी को अपनी पहली ताकत बनाया, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनाया। देश ने अपनी एकजुटता को ऊर्जा देने के लिए ताली थाली बजाई, दिए जलाए। तब कुछ लोगों ने कहा था कि क्या इससे बीमारी भाग जाएगी, लेकिन हम सभी को उसमें देश की एकता दिखी, सामूहिक शक्ति का जागरण दिखा। इसी ताकत ने कोविड वैक्सीनेशन में आज देश को इतने कम समय में 100 करोड़ तक पहुंचाया है। साथियों, एक जमाना था जब मेड इन ये कंट्री, मेड इन वो कंट्री, इसी का बोलबाला था, बहुत क्रेज हुआ करता था। लेकिन आज हर देशवासी ये साक्षात अनुभव कर रहा है कि मेड इन इंडिया की ताकत बहुत बड़ी होती है। और इसलिए आज मैं आपसे फिर ये कहूंगा कि हमें हर छोटी सी छोटी चीज जो मेड इन इंडिया हो, जिसे बनाने में किसी भारतवासी का पसीना बहा हो, उसे खरीदने पर जोर देना चाहिए। और ये सबके प्रयास से ही संभव होगा। जैसे स्वच्छ भारत अभियान एक जन आंदोलन है, वैसे ही। तो आपने सुना राष्ट्र संबोधन के दौरान जन भागीदारी पर जोर, लोकल प्रोडक्ट पर जोर, और हथियार नहीं डालने हैं क्योंकि ये लड़ाई चल रही है। वास्तव में विकास और महामारी से लड़ने के लिए ये दो बड़े साधन राष्ट्र संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने बताया। और अब आज जब मन की बात उन्होंने की, तब भी उन्होंने कहा कि हमें तैयार रहना चाहिए। एक बड़ी उपलब्धि हमने महामारी के खिलाफ हासिल कर ली है, लेकिन दिवाली के ठीक पहले लोकल प्रोडक्ट पर पूरे जनता का ध्यान खींचना और उसके प्रति आग्रही बनाना आखिर में किस बात की ओर संकेत है, बड़ा सवाल यही है। और आज हम जिन मेहमानों के साथ जुड़ रहे हैं, एक राजनीतिक विश्लेषक जो रमेश ठाकुर जी हैं, वो गहन विश्लेषण करते हैं और क्या प्रधानमंत्री के इन दो संबोधनों के मायने हैं वो बताएंगे। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता देवराज आहूजा किस तरीके से रमेश ठाकुर के द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देते हैं ये देखना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत एवी स्टार न्यूज में। रमेश जी, प्रधानमंत्री ने 72 घंटे के दौरान जो कुछ भी मन की बात के दौरान और देश के संबोधन के दौरान कहने, बताने और आग्रह करने की कोशिश करने के साथ साथ जन भागीदारी को मजबूत बनाने की बात कही है, मायने उसके क्या हैं? देखिए दिवाकर जी, किसी भी बड़ी मुहिम पे या किसी की लड़ाई लड़ने के लिए जन भागीदारी तो बहुत जरूरी होती है। चाहे कोई भी छोटा काम हो या बड़ा काम हो, उसमें अगर हुकूमत के साथ में अगर समाज नहीं चलेगा तो मुझे लग रहा है उस मुहिम का सफल होना उसकी गारंटी नहीं दी जा सकती है। अब बात आ जाती है कोरोना वैक्सीन को लगवाने के लिए, तो मुझे लगा है जिस तरीके से ये चीजें कही जा रही है, आपने जैसे कहा 72 घंटे में पहले संबोधन में बताया जाता है, वही बात है फिर आज उनकी बात में कही जाती है। और वही सारी चीजें अगर हम गली मोहल्ले अगर सड़कों पे निकलते हैं तो हमें पोस्टर वगैरह में दिखाई देती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से मन कटोचता है और मन ये कहता है, उससे जवाब मांगता है, वो पूछता है कि ये उपलब्धियां हैं, ये जिम्मेदारी है। जहां तक मुझे लगता है ये हमारी जिम्मेदारियां हैं। घर में अगर कोई बात हो जाती है, कोई दुख तकलीफ हो जाता है, तो बड़े घर में होते हैं हमारे दादाजी होते, पिताजी होते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी होती है हम लोगों को अस्पताल में ले जाएं, उपचार करवाएं, दवा दारू दिलवाएं। तो मुझे लग रहा है वो उनकी उस समय उपलब्धि नहीं होगी, वो उनकी जिम्मेदारी होगी। जिम्मेदारी को मुझे लग रहा है, मेरी आवाज बहुत इको हो रही है, पीछे से आवाज भी आ रही है, थोड़ी कम करवाइए जी, आवाज थोड़ी कम करें जी। जी तो जी ठीक है। तो मुझे लग रहा है हमने जो आंकड़ा जो 100 करोड़ का हमने पकड़ा है,
जो छुआ है वो 278 यानी कि कुल मिला के 9 महीनों में हमने पार करा है। अगर अब तक हम दूसरे देशों की बात करें भाई, कोरोना का जनक चाइल्ड को कहा जाता है, चाइना ने 7 महीने में 223 करोड़ का आंकड़ा उन्होंने पार करा। हमने देखा उनके वेबसाइट पे, उनके चैनलों पे कहीं उन्होंने उपलब्धियों का कोई व्याख्यान नहीं करा। उसके बाद में चाइना, उसके बाद में भारत का नाम आता है, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, यूए, हर जगह हमने देखे चाइना में आज 75% कंप्लीट वैक्सीनेशन हो चुका है और हमारा आंकड़ा कहाँ पे आता है 30%। उसके बाद में अमेरिका के पास आ जाओ तो अमेरिका 7% और बाकी देश काफी हमारे ऊपर है। अगर हम लोग जनसंख्या के लिहाज से अगर तुलनात्मक देखें तो ये आंकड़ा हमने छूते छूते बहुत टाइम लगा दिया, बहुत देर लग गई, लेकिन कोशिशों में कोई कमी नहीं रही। कोशिशों में जितनी भी हमारे डिबेट में, डिबेट में भी करता हूँ थोड़ी देर में, प्लीज टेक्स्ट कर दो प्लीज। कोशिशों में अगर हम बात करें तो चाहे हमारे वैज्ञानिक हो गए, चाहे डॉक्टर हो गए, चाहे कितने भी लोग हो गए, उनकी मेहनत जिस तरीके से उन्होंने दिखाई है, जिस तरीके से इच्छा शक्ति दिखाई है, उनको हम हेड ऑफ सल्यूट करते हैं। ठीक है, कि मुझे लग रहा है इन सारी चीजों को लेकर अगर सरकार अपनी उपलब्धि माने, सरकार अपने पे ले, थोड़ा सा वो लगता है कि इसमें उन लोगों की हम लोगों ने अवहेलना करी है जो इस पूरी मुहिम में कंधे से कंधे मिला के चले हैं। अगर इस उसको उपलब्धि तो कहते हैं दिवाकर जी, तो मुझे लग रहा है तो वो दौर जो हमने अप्रैल मई का जब बिताया था, अस्पतालों के बाहर लोग दम तोड़ रहे थे, ऑक्सीजन के लिए सिलेंडर लिए घूम रहे थे, एक घर में दो दो तीन तीन मौतें हुई है, कोई घर तो ऐसे थे मुझे लग रहा पूरा पूरा घर तबाह हो गया कोरोना इसकी महामारी में। तो मुझे लग रहा उनके जितने परिजन जो बचे हुए ना, उनके दिल की अगर बात पूछे, अगर उनके दर्द को समझे, तो मुझे उपलब्धि को वो सही से बताएंगे, ये उपलब्धि है उनके लिए या दर्द है। अगर उपलब्धि तब तब कही जाती, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी मंत्री उस दौरान अटकला होता, उस दौरान किसी एक व्यक्ति की भी जान सही होती, तो मुझे लग रहा है ये उपलब्धि कही जाती। बहुत की दौर हमने देखा तो जैसे हम लोगों ने एक जैसे एक हमारी एक कुदरती जो आपदा होती है ना, हम सब लोग लाचार हो गए थे, कुदरती आपदा के साथ में किसी का बस नहीं चलता, सब लोग, लेकिन उसको 3-4 महीने के बीतने के बाद वो हम अपने उपलब्धि में गिन लेते, तो मुझे लग रहा थोड़ी सोचने की जरूरत है, थोड़ा समझने की जरूरत है। अब कई जगह ऐसी बातें होती है कि कोरोना की जो पहली जो डोज लगी थी 10,000 का आंकड़ा आया हुआ है, 10,000 लोगों ने दूसरी डोज नहीं लगवाई जबकि उनका पीरियड भी बीत चुका है। रमेश जी इस पे हम बात करें, लेकिन हम भाजपा नेता की प्रतिक्रिया चाहेंगे, क्योंकि आप की टिप्पणी निश्चित रूप से कई सवाल खड़े करती है। देवराज जी, आपने एक वरिष्ठ पत्रकार की प्रतिक्रिया सुनी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए रमेश जी जो है वरिष्ठ पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी है मैं मानता हूँ, लेकिन उनके जो वक्तव्य थे बीच बीच में वो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जो कटाक्ष के रूप में भी उन्होंने दिए हैं, और जो लोकल फॉर वोकल की बात अगर ये मोदी जी कहें या रमेश जी कहें या देवराज आहूजा कहें, तो सबसे पहले उसमें जो भारतीय जनता पार्टी दिखाई देनी चाहिए, लेकिन मुझे इनमें नहीं दिखाई दी एक बात। दूसरी बात, इन्होंने सबसे बड़ी बात कही कि चाइना ने कोई अपनी उपलब्धि नहीं गिनवाई, 224 करोड़ लगाया है। भैया रमेश जी, आपके बुद्धिजीवी पत्रकार होके मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं आपके ऊपर ये बात लाता हूँ कि वो जो डिक्टेटर कंट्री है जो डेमोक्रेटिक नहीं है, उनके कौन से आंकड़े, उनकी कौन सी सच्चाई आज तक विश्व के सामने आई मुझे आप बता दें, एक बात। दूसरी बात, जो चाइना जो वीटो पावर है इतनी, उसके पास जो संबंधता जो दिखाई देती है, जो अमेरिका से भी आप कह रहे हो ऊपर है, और भारत तो हम जो कहाँ खड़े थे आज से 2014 में और आज हम कहाँ खड़े, तो इसमें आदरणीय मोदी जी की जो उपलब्धि है ना, जिम्मेवारी को जो निर्माण करते हुए जो हमने उपलब्धि हासिल की है, 100 करोड़ में फंस जाओगे आप, इसमें आप फंस जाओगे 2014 से लेके और आज की अगर बात करोगे कहां हम लोग बोले फंस जाओगे, आप आंकड़ों की कलाकारी करके आप डिबेट को रमेश जी आपसे अनुरोध है कि आप फंसाइए, लेकिन उनको पूरी बात कहने दीजिए। हाँ, दिवाकर जी मुझे लग रहा है आप आंकड़ों पे बात करना, सच्चा एक मिनट अपना बोले कि हर बार जवाब। हाँ ठीक है आप जवाब दीजिए देवराज जी। हाँ बीच में नहीं बोला। ठीक है दीजिए।
तो 2014 से अगर मैं बात करूं, और प्रधानमंत्री ने संबोधन में भी कही है, इसमें तो लोकल और लोकल की बात है, अभी दिवाली फेस्टिवल आ रहा है, दिवाली के अंदर सबसे ज्यादा जो है अपना खरीदारी की जाती है, देश की इकोनॉमी अर्थव्यवस्था के ऊपर देश का असर पड़ता है उस समय। तो अगर मोदी जी ने ये बात कही है कि आप लोकल फॉर वोकल पे ध्यान दीजिए, भारत की बनी हुई चीजों को जो है आप उत्पादन में उसमें लाइए अपने जीवन शैली में, तो इसमें क्या गलत है मेरे को आप बताइए। नहीं गलत नहीं, देखिए देवराज जी बात को समझिए, रमेश जी ने जो बात कहने की कोशिश की उसे समझिए कि हमारा प्रतिद्वंदी चीन कहां पर है, हम कहां पर हैं। हमारे प्रयासों में कमी नहीं है, लेकिन क्या कारण है कि हम वो लक्ष्य हासिल नहीं कर पाए जो चीन ने की है। हालांकि मैं रमेश जी से इस पे सवाल करूंगा, लेकिन इसका जवाब तो आपको देना चाहिए ना। दिवाकर जी सबसे पहले मैंने वही जवाब दिया है, चाइना जो है, चाइना में जो डिक्टेटरशिप है डेमोक्रेसी नहीं है, रमेश जी को आपको जानकारी तो है, पता नहीं आप क्यों उसको झुका रहे हैं। उसी बात उसके क्या आंकड़े जो निकल के आते हैं ये भी आपको पता कि विश्व के सामने वो अपनी क्या इमेज रखता है, चाहे वहां पे मुसलमानों का मुद्दा रहा थे, मुसलमान वहां पे जो है कम्युनिटी के मारे गए, क्या आज तक कोई खबर आई है देश में? हमारे देश में जो चंद जो जयचंद बैठे हैं ना, जब तक ये अपनी जो है दिमाग को जो मानसिक संतुलन को सही नहीं करेंगे तो देश को ऐसे तंग। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और हमारा देश और केंद्र सरकार, आदरणीय मोदी जी, योगी जी, हमारे सभी केंद्रीय मंत्रिमंडल केवल जो है देश को सर्वोपरि मानते हो, चाहे वो जो जेएनटी की घटनाएं हो रही हो, चाहे कुछ उसके ऊपर किस तरह लगाम लगाई है, 370 को आप उपलब्धि नहीं मानते? नहीं, 370 की बात बाद में करेंगे, मेरा सवाल फिर है रमेश जी के सवाल को और आगे मैं बढ़ा रहा हूँ। वो एक डिक्टेटरशिप के तहत काम करता है, चाइना गवर्नमेंट काम करती है, आप ये कहना चाह रहे हैं वहां का प्रशासन काम करता है। सवाल ये है, मेरा सवाल सुनिए, सवाल ये है कि अगर उपलब्धि है तो है और ये वहां की जनता स्वीकार कर रही है, हाँ ठीक है, तो फिर मैं तो वही मैं कह रहा हूँ ना, उपलब्धि है ये। आप देखिए हमारे सभी कोरोना वॉरियर में डॉक्टर्स हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, पुलिस हो, हमारी सफाई कर्मचारी, किस तरह से देश जो है आगे बढ़ के इकट्ठा हुआ है और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में तो हुआ ही है। तो रमेश जी जो कहना चाह रहे थे, फिर मैं क्लियर करूं, फिर मैं रमेश जी पे आऊंगा। रमेश जी ने कहा था ये उपलब्धि का बखान नहीं, ये तो कर्तव्य है, और इस कर्तव्य को अगर पूरा किया तो इसका बखान ज्यादा नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है रमेश जी ने ये कहना चाहा। देखिए दिवाकर जी, रमेश जी ने जो कहना चाहा मैं समझ गया, भली बात है कि आप कह रहे हो उपलब्धि ने बखान नहीं करना, बखान नहीं है ये। अगर कोई किसी को जो प्रेरणा देता है, कोई अच्छा काम हाँ। करता है, उसको अवार्ड के रूप में जो बोला जाता है, हम अपने कोरोना वायरस की क्यों ना तारीफ करें, हम अपनी जो प्रोडक्शन कंपनी इंजेक्शन जिन्होंने बनाए हैं इतने कम समय में, हम क्यों नहीं उनकी उपलब्धि को उनको इनाम दें, उनके लिए हम क्यों बोले, उनके लिए पूरे विश्व में। आप देखिए चाइना जैसा देश या अमेरिका, यूरोप जैसे जो देश जो है, इतने संपन्न होते हुए भी ये उपलब्धि नहीं हासिल कर पाए। चाइना की तो बात भी आपको विश्वास ही नहीं करना चाहिए, रमेश जी पता नहीं क्यों जो चाइना से प्रभावित होकर इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा कि भारत ने जो उपलब्धि हासिल की है ना, उसमें कम से कम हमें भारत को और जो भारत के नेतृत्व को, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व, केंद्रीय मंत्रिमंडल को और आप जैसे पत्रकारों को जो बात पहुंचाते हैं, हम तो पूरा देश जो है सबका ऋणी है, सबने अपना अपना काम किया है, चाहे वो सुदूर इलाके में जाके इंजेक्शन लगाए गए हो या इंजेक्शन की प्रोडक्शन की गई कंपनी द्वारा या 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया हुआ। आपको याद होगा मैंने आप ही के डिबेट में जो है 30 दिसंबर तक का आंकड़ा दिया था कि पूरा देश जो है 100% जो वैक्सीनेटेड हो जाएगा, और हम उस तरह बढ़ चुके हैं, तकलीफ कहां से आ रही है या हम उपलब्धि क्यों ना बोले। अगर देखिए हम किसी की तारीफ कर रहे हैं, अगर किसी कोरोना वायरस की डॉक्टर्स की और मेडिकल कंपनियों की, तो उनको एक तरह से और प्रेरणा मिलती है और आगे आगे काम करते हैं, तो करना भी चाहिए। आप यही तो इनाम या अवार्ड या दूसरे रिवार्ड यही तो होते, अगर ये भी ना करें रमेश जी तो बड़ा जो की बात है कि हम कोई अच्छा काम कर रहा है, हम जो तारीफ भी ना करें। अगर मेरा बेटा आज 100% स्कॉलरशिप लेके फ्रांस में गया है तो अंदर तारीफ का है ना कि मैं हकदार हूँ उसका, मैं उसका पेरेंट हूँ और उसको भी हक दूंगा। इसी तरह के जो भी बच्चे आगे आके तो वजीफा लेते हैं, स्कॉलरशिप लेते हैं, वो तारीफ के हकदार को इनाम। ठीक है देवराज जी, अब आपकी बात हो गई। नहीं कमाल नहीं कर रहे, एक पत्रकार सवाल तो उठा सकता है क्योंकि वो बौद्धिक प्राणी है। अब रमेश जी सवाल आपसे है और उन सवालों को जरूर सुनिएगा, और ये मत मानिएगा कि मैं बीजेपी का पक्ष ले रहा हूं। सवाल अब मेरा सुनिएगा सर। रमेश जी अगर आपको मालूम है तो कल जिस थर्ड वेव की बात की जा रही है उससे रूस प्रभावित है, 1000 से अधिक लोग मरे, कल की बात है। चाइना में फिर से लॉकडाउन लगाने की तैयारी है। ब्रिटेन एक नए कोरोना वेरिएंट से जूझ रहा है पिछले 48 घंटे से,
और 100 करोड़ टीके लगाकर हमने वो उपलब्धि हासिल की है कि तीसरा वेव यहां नहीं जाएगा, इसका भरोसा दिलाया जा रहा है। क्या इस उपलब्धि को आप देश के सामने अगर प्रधानमंत्री चर्चा करें तो रमेश जी ये गलत है? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। देखो, अभी बीजेपी के मित्र ने कहा कि 370 की उपलब्धि बिल्कुल उपलब्धि है। नहीं, मुद्दों पर बात करिए, 370 पे हम बाद में बात करेंगे। मैं बिल्कुल करंट बात कर रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। 370 हमारी उपलब्धि है, 35 एकड़ हटना हमारी उपलब्धि है, जो खाड़ी के अमन चैन शांति जो नया एक आई है वो उपलब्धि। अब बात आ जाते हैं आपके सवाल पे। कोरोना वॉरियर जिन्होंने कहा कि उनकी प्रशंसा क्यों नहीं होनी चाहिए, मुझे लग रहा है होनी चाहिए, आप सबकी होनी चाहिए, आप जैसे किसी के कार्यकर्ताओं की भी होनी चाहिए, सबकी होनी चाहिए। अब जब आप निकलोगे और जब की बात आ जाएगी तब वहाँ पे एक फोटो आपको दिखाई देगा और एक नीचे दिखाई देगा एक आवेदन करता। उसके अलावा मुझे लगा बताइए किस वैज्ञानिक की फोटो है, किस कोरोना फ्रंटलाइन वॉरियर किसी की फोटो, इन चीजों को आपको देखना होगा। हाँ। रही बात मैं कोरोना वेरिएंट की जब तक बात की जा रही है, मुझे लग रहा है जो आगे की तैयारी है हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे सेंट्रल की हुकूमत ने, तो अभी तो बताया जा रहा बहुत अच्छी उपलब्धि है, बहुत अच्छी हमारी तैयारियां है, लेकिन भगवान ना करे कि हम तीसरे दौर की लहर से जूझे, तीसरे दौर की जो लहर है उससे हम दो चार हम हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन यही चीजें पहले दौर की पहली लहर जब आई थी तो ये कहा जा रहा था कि दूसरी लहर में हमारी जो तैयारी है बहुत जबरदस्त है, लेकिन जब दूसरी लहर आती है, एक तबाही जिस तरीके से पानी की तरह बहती है, तो हमने देखा, आपने देखा उस समय क्या हो गया, लंबी लंबी लाइन है, ये मुद्दा बाहर लगी हुई थी और कई सारी चीजें, जब पिछले दौर में जब जाते हैं तो दिल दर्द होता है, एक मन एक इतना मतलब दुखी होता है कि हम पिछले अध्याय को खोलना ही नहीं चाहते हैं। हम नए दौर की बात करते हैं, नए दौर का समय है, नए भारत में हम लोग सदी में एक नई चीजों को हमने उपलब्धि के तौर पे लिया है, लेकिन मुझे लग रहा है कुछ चीजों पे व्याख्यान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दोबारा से कहूँ, कुछ चीजें ऐसी हैं पर्दे के पीछे रह के की जाती है, चुपके से की जाती है, जब तक हम लोग इसमें जिस तरीके से हमने जो ये जादू आंकड़ा 100 करोड़ का हमने छुआ है, मुझे लगा इनके कुछ ऐसे बिंदु है जहाँ पे सरकार को जाना चाहिए, जहाँ पे हमें टच करना चाहिए। 10 लाख ऐसे लोग हैं, उसमें मैं ये नहीं कहूंगा उसमें अल्पसंख्यक लोग हैं, उसमें फलाने हैं, मैं इस पर कुछ जानी नहीं चाह रहा हूँ। वो 10 लाख लोग कौन है जिन्होंने इस वैक्सीन को, भारतीय स्वनिर्मित वैक्सीन को नकार था, उन्होंने दूसरी डोज नहीं लगाई, उसकी दूसरी डोज का पीरियड खत्म हो गया, क्या उनसे हमें खतरा नहीं है? हम तो दूसरी डोज ले चुके हैं, भाजपा के प्रवक्ता दूसरी डोज ले चुके हैं, दिवाकर जी दूसरी डोज ले चुके हैं, तो उन 10 लाख लोगों में से एक व्यक्ति अगर हमारे पैनल में आ जाए या कहीं, क्या उससे हमें खतरा नहीं है? मुझे लग रहा है ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, सख्त कानून बनाने की जरूरत है, जो दूसरी डोज नहीं लेगा उसके ऊपर हर्जाना लगेगा, उस तरीके ये चीजें होनी चाहिए। मुझे लग रहा है इन चीजों पे हम लोग नहीं जा पा रहे हैं। अब 18 प्लस का जो आंकड़ा हमारे पास है उसमें भी लोगों में उदासीनता दिखाई, उसमें भी लोगों ने नहीं लगना। मुझे लग रहा है अब तक जो 9 महीने में जो हमारा जो ये आंकड़ा 100 करोड़ का है, मुझे लग रहा है फुल्ली कंप्लीट हो जाना चाहिए था, इसमें देरी नहीं होनी जानी चाहिए थी। सरकार ने ये बात नहीं बताई है, सरकार ने मुझे लग रहा इन चीजों को छुपाया है कि ये कुछ लोग क्यों नहीं लगा रहे हैं। क्या हमारी जागरूकता में कमी रह गई? क्या हमारा अवेयरनेस जो हमें करना चाहिए वो अवेयर हम लोग नहीं कर पा? मुझे लग रहा है यहाँ की जरूरत, यहाँ पे सरकार की गलती नहीं है, यहाँ पे समाज में हम जैसे रहने वाले लोगों की कमी है, ये हमारी कमियां है। मुझे लग रहा इस मुहिम से जुड़ने के लिए सरकार का साथ देना चाहिए, यहाँ पे मुझे लग रहा सरकार कहीं ना कहीं पीछे दिखाई दे रही है, सरकार को चीजों पर ध्यान देना चाहिए। अब रही बात आपने कहा दूसरे वेरियंट जो समय इससे जूझ रहा है, जो नई चीजें जो सामने निकल के आई है, इसकी तैयारी हमारे पास जीरो है। ये वेरिएंट अभी वहां पे भी नहीं पकड़ा गया, वहां के वैज्ञानिकों ने नहीं पकड़ा गया कि इसकी जो गतिविधियां किस तरीके से हमला कर रही है और कैसे आगे बढ़ रही है, कि वही लोग नहीं पकड़ पा रहे, तो हमारा पकड़ना बड़ा भी मुश्किल पड़ेगा। मुझे लग रहा उन चीजों को सतर्कता के तौर पर पहले इन चीजों को हमें लेना चाहिए, मुझे लग रहा है इससे काम नहीं होगा। जी अब आप देवराज जी जवाब दीजिए, फिर मैं रमेश ठाकुर से सवाल करूंगा। अब आप पहले इसका जवाब दीजिए। आप ये देखिए दिवाकर जी, रमेश जी की बात में सुन रहा था,
आप ही बताइए कि विश्व में जो कौन से देश का हेड जो है सर्वे सर्वा लाइक हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने किस तरह से आगे बार बार जो है संबोधन हो, मन की बात हो, टीवी के माध्यम से, आप जैसे पत्रकारों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, जगह जगह जो अपना बात करेंगे अवेयरनेस की, जागरूकता नहीं की भैया। एक तो ये नया वायरस है नंबर एक, नंबर दो इस तरह का वायरस जो है जो विश्व ने जो कभी नहीं देखा कि इतनी बड़ी जो तबाही पूरे विश्व में हुई हो, नंबर तीन भारत ने इतने कम समय में टीके का जो है एक आविष्कार करके दिखाया, जहाँ पे 10-10 साल लगते थे वहाँ 9-9 महीने में 100 करोड़ का आंकड़ा कैसे मिले हो रमेश जी, आपकी बात से इतने जो वरिष्ठ पत्रकार हो के मैं आपसे ये नहीं, उन्होंने तो ये भी कहा, रमेश जी आप चुप रहिएगा, उन्होंने तो ये भी कहा कि 10 लाख लोगों को एक टीका लगा है, 2 डोज की जरूरत है, वो क्यों नहीं लगवा पाए, क्या प्रॉब्लम है, या हमारे जागरूकता में क्या कमी है? देखिए 100 करोड़ का आंकड़ा लगा, अभी देखिए पहले तो लोग इंजेक्शन लगवा के राजी नहीं थे, जो टीकाकरण जब शुरू हुआ था इस तरह से कोई भाजपा की है टीका, कोई हम तो मोदी का टीका है, कोई हम नहीं लगवाएंगे, कांग्रेस ही अखिलेश सब में कहना, उन बातों में जाना जाता, आपने अपना आंकड़ा दिया जो 10 लाख का आपकी बात ठीक है, हम लोग बिल्कुल जो है उसको जो सीरियसली गंभीरता से जो है उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, चाहता आपने बात की उनके ऊपर जुर्माना लगाना चाहिए। दिवाकर जी जिस देश में हर सरकार ने ये जब हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, आपको फ्री में करना चाहिए, मोदी जी ने वो बात तो सही है दिखाई, सुनिए वो प्रति हमने हासिल करके दिखाई, उसके बाद सही बात जाने की बात आप करेंगे तो आप ही देखिए कि हम किस तरह से उनके साथ दोहरा मापदंड नहीं कर सकते। हाँ आपका ये विचार बिल्कुल सही है, हम उस जो 10 लाख के जो लोग हैं जिन्होंने दूसरी डोज नहीं लगवाई है बिल्कुल सीरियस अपना जो गंभीर मुद्दा है हम उन्हें आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं, और रिसर्च की जहां तक बात है जो थर्ड म्यूटेंट की बात कर रहे हैं आप ही देखिए कि दुर्भाग्यपूर्ण जो दूसरी लहर, हालांकि पूरी तैयारी थी ये नहीं पता था ये वायरस जो इस तरह से म्यूटेंट करेगा, उसके बावजूद भी हमने उस पर कंट्रोल किया, और आज आप सब लोग के माध्यम से ही इसमें मैं जो केवल आदरणीय जो नरेंद्र मोदी जी अपने को तो बोलते ना करो जो साइंटिफिक वोट लगाते, आप ये देखिए कि जिस देश के साइंटिफिक एडवाइजर को आदरणीय अटल जी ने जो है उनको राष्ट्रपति का पद दिया, तो आप तो कम से कम इसी देश के नागरिक हो, आपको सारी देखनी चाहिए, अजीत डोभाल जी हो, बिपिन रावत जी, जिन्होंने जो देश के लिए अच्छा काम किया है आज वो सर्वोपरि, और यहाँ पे देखिए कि मोदी जी ने बहुत छोटे से अपने घर के व्यक्ति को भी आज जो है अपने मेज टीम में लाके खड़ा किया है, चाहे वो मंत्रिमंडल में हो चाहे वो किसी पदों के, ठीक है ये मुद्दा दूसरा है। अब रमेश जी सवाल आपसे है, रमेश जी जिस चीन की आप बात कर रहे हैं, चूंकि हम आप पत्रकार हैं और दोनों अध्ययन करते हैं आंकड़ों पर, वेबसाइट के माध्यम से, बुक्स के माध्यम से जो कुछ भी आता है, आप उस चीन की बात कर रहे हैं, उस चीन की बात कर रहे हैं जो कोरोना के उत्पत्ति के पीछे उसकी क्या रणनीति रही है, ये रणनीति कब बनी, किस स्तर पर हुई, आज तक चीन अमेरिका लड़ रहे हैं और अभी शख्स सामने नहीं आया है, आप उस चीन के आंकड़ों पर विश्वास कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं, उसी तारीफ कर रहे हैं, बताइए नहीं। अब आप देवराज जी आप चुप रहिए, अब हम अब दो पत्रकारों के बीच बात होने दीजिए जी, रमेश जी नहीं नहीं एक बात बताइए, अभी ये मित्र कह रहे हमने तारीफ करी, हमने आंकड़ों की नहीं, नहीं वो तो बिल्कुल सही है, आंकड़े देना और उसके आधार पर सवाल उठाना एक पत्रकार का धर्म है और आपकी बात का मैं समर्थन करता हूँ, लेकिन मेरा भी एक सवाल है जी, मैंने ये आंकड़े हमने नहीं बनाए, कोई दिवाकर जी ने आंकड़े नहीं बनाए, ये जिस तरीके 100 करोड़ का जो आंकड़ा आया है तो हमने तो गिनके तो गए नहीं है, गिना नहीं है, और वैसे ही आंकड़ा उनका है 923 करोड़ का उनका आंकड़ा है। आप सुनिए, नहीं देवराज जी चुप रहिए, देवराज जी प्लीज आप चुप रहेंगे, ये दो पत्रकारों के बीच की बात है, कुछ सवाल मैं और उठाना चाहता हूँ, इस बात पे बिल्कुल ऑब्जेक्शन है मेरा, ये बहुत बिल्कुल, मैं आप उसको क्लियर करिएगा ना, उनको तो अपनी बात बोलने दीजिए, नहीं बहुत डिस्ट्रेस सर की बात कर रहे हैं, नहीं 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 मुझे बताइए, मैं रुको जी, चलिए भारत में कितने फीसदी वैक्सीनेटेड हो चुके हैं आप बताइए जरा, नहीं मैं आपको आंकड़े गिनवाएंगे, आपको आंकड़े छोड़ो, आंकड़े आप इसी बात जवाब दे रहा हूँ ना, आप कह रहे मैं कितने फीसदी, आप कह रहे हमें पता है आप कितने फीसदी हुए, आप बताओ, देश में आरटीआई का मामला है माध्यम है आपके पास, आपके हथियार है आप लगाए दो, आपको आके गिनवाएंगे क्या एक एक व्यक्ति को कि आप हमने 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर दिया, आपको आके गिनवाएंगे क्या रमेश जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं, आपको ये नहीं नहीं ये आपको बोलते शोभा नहीं दे रहा, रमेश जी रमेश जी मैं उसी बात को और आगे बढ़ा रहा हूँ, कोविड की फुल फॉर्म बता दोगे मुझे, कोविड की फुल
तमाम बता दूं। आपने जो बात पूछी कि आपको जो 100 करोड़ के आंकड़े पे आप अपना विश्वास नहीं कर रहे, आप 100 करोड़ का मैं कर रहा हूँ, आपको दिखाई कर रहा हूँ, देवराज जी, देवराज जी ऐसे कोई नहीं मानेगा, तथ्यों को देना पड़ेगा। आगे सुनिए रमेश जी, रमेश जी आप अगला सवाल सुनिए सर। रमेश जी तीसरे वेरिएंट को लेकर के भारत के वैक्सीनेशन पर वैज्ञानिकों की राय है कि कोरोना का तीसरा वेरिएंट यहां प्रभावी नहीं होगा, जो हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है और 100 करोड़ के आंकड़ा अगर हमने पार कर लिया है तो वही वो दिख रहा है जो पिछले 48 घंटों में 3 देशों में दिखा, भारत पर फर्क नहीं पड़ रहा, ये भी तो आपको मानना पड़ेगा। बिल्कुल मानना पड़ेगा, एकदम 100% मानेंगे। और अगर आप ये मानते हैं तो प्रधानमंत्री उसमें जन भागीदारी की बात करता है सर, तो बुरा क्या है? नहीं नहीं मैं देखो, मैं दिवाकर जी यही कहना चाहता हूँ, डिबेट जब भी कराओ किसी अधिकृत नेता को बुलाइए। नहीं नहीं आप नेता पे सवाल नहीं उठा सकते, रमेश जी मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप व्यक्तिगत मत होइए, टिप्पणी करिए, आप पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सम्मान है आपके प्रति, लेकिन अगर आप किसी का फुल फॉर्म पूछेंगे नेता से तो मुझे लगता है आप उसको टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और देवराज जी को इस पर बोलना भी चाहिए, हो सकता है कि वो पूरी तैयारी नहीं कर रहे हैं इसलिए इतनी देर से चुप है और एक पत्रकार उनकी खिंचाई कर रहा है। मैंने छोटा सा सवाल करा, इतने वैक्सीनेटेड हो जी, लेकिन लेकिन हम लोग ये पूछ रहे हैं, लेकिन आप बताता, फिर मैं पूरा तरीके से बताता कितने रह गए और कितने को लाना चाहिए और कितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी चल रही है। देवराज जी, जब हम किसी पैनल में बैठते हैं, कोई पत्रकार होता है तो निश्चित रूप से उसके पास उसकी दो ही ताकत होती है, दो ही हथियार होते हैं, उसके पास विश्लेषण की शक्ति होती है और उसके पास आंकड़ा होता है। अगर रमेश ठाकुर के साथ मैं बात कर रहा हूं तो निश्चित रूप से मुझे उनके ज्ञान पर, मुझे उनकी तैयारी पर भरोसा है, इसलिए आपको उतनी तैयारी रख करके कभी भी, ये मेरा अनुरोध है और सलाह भी है कि बैठना चाहिए, क्योंकि तर्कों की काट आप तर्कों से ही करेंगे और आंकड़ों से करेंगे। लेकिन रमेश जी के ज्ञान पे 1% भी मेरे को कोई वो नहीं है, बहुत जो बुद्धिजीवी, मैं तो शुरुआत में ये कहा कि बड़े बुद्धिजीवी पत्रकार और इस पत्रकार है, लेकिन उसके बाद मेरा तो इनसे क्वेश्चन यही है कि आपने एक तो मेरे से क्वेश्चन पूछा कोविड, तो जहां तक मेरे को नॉलेज है कोरोना वायरस जो डिसीज बोलते हैं कोविड का पूरा अर्थ, नंबर 1 आपने आंकड़े की बात की तो आदरणीय मोदी जी ने 100 करोड़ का आंकड़ा तो बताया और हमारा जो एक जो अपना हमारे जो फंस गए आप, डिसीज नहीं बोला जाए, किसी ने शुरुआत किसको बीमारी नहीं कहा, वायरस कहा है मौजूदा वायरस का, कोरोना वायरस, मुझे आपके बुद्धि का परीक्षण करना था, मैंने कर लिया बस, इसके बाद मुझे कुछ नहीं करना। आप डिबेट को आगे बढ़ा, कोविड का आप ही बता दे मुझे पूरा, नहीं आप ही बता दे, चलिए कोविड की फुल फॉर्म बताइए। मैं इस डिबेट को आप दोनों के ज्ञान मापन का केंद्र नहीं बनाने जा रहा सर। क्यों पूछ रहे सर ये? अब आप दोनों प्लीज चुप रहें और मेरे सवाल का जवाब दें। रमेश जी कभी कभी आप देखते हैं कि हर एक सरकार, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, अगर कोई कार्यक्रम चलाती है तो उसको विज्ञापन के जरिए अपनी बात को जनता तक पहुंचाने का एक माध्यम बनाती है, और प्रधानमंत्री अगर मन की बात करते हैं, देश को संबोधित करते हैं और जन भागीदारी का आह्वान करते हैं तो इसमें कहीं से कोई गलत नहीं है। हाँ, बखान खुद का नहीं होना चाहिए और बखान उन्होंने खुद का किया भी नहीं है, क्योंकि देश 135 करोड़ से अधिक की आबादी और उस जनता पर उनको भरोसा है जिस भरोसे के साथ वो बड़े निर्णय लेते हैं, तो हमें यह मानना चाहिए कि जनता की ही ताकत पर प्रधानमंत्री इतनी बात करते हैं। मुझे कोविड की फुल फॉर्म बता। नहीं प्लीज आप इस पर नहीं करेंगे। रमेश जी मेरा अगला सवाल है, इन्होंने क्वेश्चन किया ना, वैसे मैं इनसे पूछूं, मुझे नहीं पता था, अच्छा ये मेरी बात को गलत बता रहे, तो ये बता दे रमेश जी क्या मतलब होता है कोविड का, फुल फॉर्म बताएं मुझे।
तो पत्रकार हैं आपसे पूछ रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं बताइए, हम तो आपका हम तो बता रहे आप कह रहे हैं मैंने आपका रजिस्ट्रेशन कर लिया आप तो क्या हूँ आप तो आपने मेरी बुद्धि को भी सवाल उठा दिए हमने आपसे देखिए क्वेश्चन तो तब कर रहे हैं जब आप उसकी जानकारी हो आपको खुद नहीं सुनिए कोरोना बता रहा हूँ ना मुझे डिसीज है आपको बता देता हूँ मुझे टॉप 8 कोरोना से प्रभावित देशों के नाम बता जी मुझे ऐसी जो डिबेट में ऐसे पत्रकार से मुझे कोई शौक नहीं मुझे डिबेट करने का तो पहले खैर जवाब आप दोनों की तलखियाँ अब तो इनके मेरे से नहीं कर पाओगे आगे ज्ञान पे डाउट आप दोनों की तलखियाँ मैं सहज समझ सकता हूँ मुझे डिबेट डिबेट बहुत ही गर्म बहुत गर्म माहौल में जा रहा है रमेश ठाकुर जी और देवराज आहूजा जी मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप शांत रहें और प्लीज क्योंकि ये व्यक्तिगत तलखियों पर बात चली गई और एक दूसरे के ज्ञान को मापने आंकने और उसका विश्लेषण करने का ये दौर शुरू हो गया शायद विश्लेषण का ये दौर नहीं शुरू होना चाहिए था ये डिबेट कुछ बात और थी लेकिन इतना जरूर है कि एक पत्रकार के रूप में रमेश ठाकुर ने जो सवाल उठाए हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में प्रवक्ता के रूप में देवराज जी को उन सवालों का जवाब देना ही चाहिए और एक पत्रकार के तौर पर जब हम कोई आंकड़ा प्रस्तुत करते हैं तो उसका एकांगी विश्लेषण भी नहीं होना चाहिए अगर प्रधानमंत्री को देश पितृवत व्यवहार करता है या उन्हें अपना वरिष्ठ मानता है तो प्रधानमंत्री भरोसे के साथ अगर सबको लेकर साथ चलने की बात करते हैं जन भागीदारी की बात करते हैं और इसके माध्यम से एक सकारात्मक माहौल और एक वातावरण बनता है तो निश्चित रूप से ये देश के लिए सही है और ऐसा किया जाना चाहिए रही बात रमेश ठाकुर के विश्लेषण की उनके आंकड़ों की तो हमें ये जरूर समझना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को के नेता को और किसी भी व्यक्ति को कि अगर एक पत्रकार किसी मुद्दे पर बात करता है तो उसके पास अपना तर्क होता है अपना विश्लेषण होता है उसके पास अपने आंकड़े होते हैं और उन आंकड़ों की काट आपको आंकड़े दे करके करना होता है लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से यह डिबेट व्यक्तिगत टीका टिप्पणी पर चली गई इसलिए मुझे यह डिबेट समाप्त करना पड़ा है आप दोनों इस डिबेट के माध्यम से बहुत कुछ बताने की कोशिश किए आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह देश इस डिबेट से बहुत कुछ सीखेगा क्योंकि टिप्पणियों का मतलब है लेकिन टिप्पणियां या आक्षेप जब व्यक्तिगत हो जाते हैं तो उससे हम सहज आगे नहीं बढ़ सकते और इस समय सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ने की दरकार है क्योंकि देश के सामने ढेर सारी चुनौतियां हैं एवी स्टार न्यूज में सिर्फ इतना ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एवी स्टार न्यूज दीजिए इजाजत क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं रुकता आप अगले खबर के लिए हो जाइए तैयार नमस्कार